लेकिन महिला के लिए अगर हो जाए और तेजी से लागू हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। आप लोग पर कब्जा कर लिया है बेचारे को, वो तो ठीक नहीं है, इसको एकदम आजादी रहनी चाहिए। महिला बिल पास हो गया, पास हो गया है। चुप, लोगों नीचे रखिए, आप हटाइए ना, यहाँ से जाइए, लोगों नीचे रखिए, लोगों नीचे रखिए, तो चाहते हैं ना, पीछे कौन है, आप पीछे ही आ जाओ, ये हटा ना, ये पीछे क्या कर रहे हो, सूरत सर्वे नहीं किए इसलिए डिलेड हो रहा है, इसको तेजी से ना करना चाहिए जी। चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू मिले, कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब एससी एसटी को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाना चाहिए, सबके लिए बस रहना चाहिए, उनके लिए जो है जो भी लगे, लेकिन वो भी महिलाओं के लिए हो गया। हम लोग कम से कम 33% हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तब तभी ना शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है, इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो ना गया। बताओ तक आपकी तरह कास्ट सेंसस की भी मांग उठ रही है, आप कास्ट सेंसस की भी मांग उठ रही है कि पूरे देश में कराना चाहिए तभी इसका लाभ होगा, वो तो अलग डेफिनेटली चीज है, चाहते उसके साथ साथ होना चाहिए। ये आपको याद होगा अगर तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ था, इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था, सर इधर बाद में नहीं हुआ है, बाद में तो मेन ही नहीं हुआ है, तो अगर इस सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी, सबका सब गरीब गुरबा सबका एक एक चीज के बारे में, अगर तभी ना सबका विकास हो जाएगा, हम लोग तो सबके उत्थान के लिए काम करते हैं, तीन हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग का कोई दूसरा उद्देश्य है, तो उसके चलते हम लोग है खेली नहीं बैठे, वो अलग विषय है, तो हम लोग बार बार कहते ही रहते हैं, लेकिन महिला के लिए अगर हो जाए और तेजी से लागू हो जाए तो बड़ी खुशी होगी, हम लोग तो क्या किए हुए सब आपको पता ही है शुरू से। सचिवालय जा रहे हैं रोज रोज, आज आप सचिवालय पहुंच जा रहे हैं टाइम से चले जा रहे हैं, पहले से आपको मालूम है 2008 हम लोगों ने तय कर दिया था कि 9:30 बजे से भाई सबको 5:30 तक दिए थे, अब बीच में हम 13 के बाद नहीं जा रहे थे, इधर हम देखे कि लोग देर से आता है, ये होता है, तो हमको परसों लगा कि हम जाएंगे, तो कल भी गए हैं आज भी गए, आज जान लीजिए हम तय कर दिए 3 दिन, 2 दिन तो भेजते हैं सबको बाहर, अफसर सबको मैंने आप समझिए बुध और बृहस्पति को, तो सोमवार और मंगल को वहाँ रहेंगे और शुक्र को रहेंगे वहाँ सवेरे 9:30 बजे जाके 1 बजे 1:30 बजे तक हम वहाँ एक बने वहाँ पर रहेंगे 11:30 11 जो भी तक, और दो हमारा यहाँ जो हमारा है मुख्यमंत्री सचिवालय उसमें भी हम कल रहेंगे, पहले तो रहते ही तरह थे आप जानते थे ना कितना रहते थे, आज के लिए 20 के बाद छोड़ दिए, तब बैठेंगे और सब के सब लोग बेचारा काम करेंगे, तो मेरी और कोई इच्छा नहीं, मेरी इच्छा कि सब लोग समय पर जाए, तो आजकल मंत्री को कोई को देखते कम, अब सब लोग जाने लगे, सब जाने लगे, 24 के बाद होगी बीजेपी कह रही है, पूरे देश में 24 के बाद चुनाव जातीय जनगणना कराने की बात बीजेपी कह रही है, वही ना सोचिए, वो ना जाना चाहिए था जी, तो इतना देर काहे के लिए कराए हुए, इसको तो इमीडिएटली भी शुरू कर सकते हैं, 24 का क्या जरूरत, अभी तुरंत कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है करने का, तुरंत कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है, इसको जिन तेजी से करना चाहिए, अरे हर 10 साल पर हो रहा था, आप सोच लीजिए 1931 से शुरू हुआ, अभी पहला बार ना हुआ है, डिले हो गया है, ये अच्छा नहीं ना है, करा दीजिए जल्दी, ये सब हम चाहते सर, कल सीताराम अपना नहीं कर रहे हैं तो जाने सर, कल लेकिन ये चीज ठीक है, अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी महिलाओं को मिल सर, कल सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई क्या, इंडिया अलायंस को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या, और आगे ये सब बात हम अभी नहीं करें, आप जानते हैं कि विपक्ष के लोगों के बीच में
हम लोगों की कुछ एकता हुई है, आपस में बात होती है, जो यहाँ पर आते हैं आपस में बात करते हैं, वो बातचीत है, उस सब में कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या मध्य प्रदेश की रैली आप लोग टल गई है? भोपाल, भोपाल में जो रैली होने वाली है, भोपाल की रैली टल गई है, होने वाली है अक्टूबर के पहले से। वो अगला अगला ये गठबंधन होने वाली है, फाइनल है लोकल भोपाल वाला, वही कह रहा टल गया। देख सर ये अच्छा आप इतना काम कर रहे हैं सर, टीका जो जो लड़ाए हुए लगाए हुए माथा लड़ा रहा है, आरी है ही बोल रहा है, नहीं दिख रहा हमको। अच्छा सर आप इतना काम पर ध्यान दे रहे हैं, तभी बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग आपका काम भाई के सब लोग समय पर काम कैसे की तरफ जा रहे हो, तो फिर भी सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोई काम ही नहीं दिख रहा है आपका, हमारा काम नहीं उनको दिख रहा है, क्योंकि काम न है जी। अब वो कहेगा कि कोई काम नहीं है, तो आप लोगों पर तो कब्जा किए हुए है, तो बिना पत्र का प्रचार करेगा, लेकिन आप भी जब जानिएगा तो एक बार तो लिखिए ना, तो ऐसे ही कर रहा है ठीक। एक बार जब उस सबसे मुक्ति मिलेगी, आप सबको जो अधिकार मिलेगा, तो हर आदमी अपनी इच्छा से उसको जो अच्छा लगेगा, जो ठीक नहीं लगेगा, एक एक चीज पत्रकार बोलता है, आपको मालूम है नहीं हम लोग का पत्रकार से क्या संबंध है। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से, और जेपी मूवमेंट हुआ तब से, और जब हम पटना वहाँ पर थे एमपी हम थे, आप कितना ज़्यादा अमृतसर, कितना अच्छा हमारा संबंध रहा है सर, तो हम सब के पक्ष में रहते हैं, राय अपनी अपनी हो सकती है, हम पत्रकारों के कभी खिलाफ नहीं रहते, हम सब के, हम किसी के खिलाफ नहीं रहते। हाँ उसको जो सही लगेगा वो लिखेगा, जिसको खिलाफ रखेगा वो खिलाफ लिखेगा, ये उनका अधिकार है भाई, ये पत्रकार को जो अधिकार है वो नहीं खत्म होना चाहिए, जैसे हम लोगों को काम करने का अधिकार है, तो उसे पत्रकार को ना अधिकार है जी, साधारण बात है। पत्रकार आप लोग हैं इसी तरह से हैं, तो कितना खुशी की बात है सर, बीजेपी चीज को जान करके करेगा, आप लोग पर कब्जा कर लिया बेचारे को, वो तो ठीक नहीं है, इसको एकदम आजादी रहनी चाहिए सर। बीजेपी धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।